चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो आई थिंक अब क्लियर होगा सब। हाँ, तो ये जो स्टोरी मैंने आपको बताई थी वो फिर से बता दूंगा क्योंकि आप लोगों का वॉइस नहीं है। तो प्लस के ऊपर दो इंपॉर्टेंट कोर्सेज चल रहे हैं, पार्ट वन का, पेपर वन का पार्ट बी और जनरल स्टडीज पेपर टू, एंड आफ्टर दैट एक नया जो कोर्स पेपर थ्री का है। तो इस मंथ के एंड तक पेपर थ्री का नया कोर्स आपका स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें पूरा पेपर थ्री का जो सिलेबस है वो पूरा पेपर थ्री का सिलेबस में आपका यूनिट वन से लेकर यूनिट टेन तक पूरा सिलेबस आपका कवर करने वाला, ठीक है। तो वो सब चीजें मैं बता चुका था, लेकिन बीच में वॉइस आपका नहीं था इसके अंदर। और कोड आप पवन लाइव याद रखेगा प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए, इफ यू आर यूजिंग दिस कोड यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन द प्लस कोर्सेज, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे मालवा डायनेस्टी की, मालवा वंश के बारे में। अब इसके बाद में थोड़ा सा इसका आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ, थोड़ा सा इसके इतिहास में आपको ले चलता हूँ। तो जब मालवा डायनेस्टी का जब स्टैब्लिशमेंट हुआ, तो उसके पहले की जो स्थिति थी कुछ ऐसी थी कि मध्य प्रदेश के अंदर आपको पता है कि 13th सेंचुरी में, 13वीं शताब्दी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने मध्य प्रदेश के अंदर आपका मध्य प्रदेश के ऊपर आपका अटैक किया। और उस अटैक के समय पे जो परमार डायनेस्टी है, तो परमार डायनेस्टी का शासन आपको हुआ करता था। तो परमार डायनेस्टी के जो राजा थे आपका भोज सेकंड वगैरह, उनकी मृत्यु के बाद, उनके डेथ के बाद परमार डायनेस्टी यहाँ पे खत्म हो गई। परमार डायनेस्टी खत्म होने के बाद 13th सेंचुरी के अंदर अलाउद्दीन ने यहाँ पे हमला किया। अलाउद्दीन या फिर जो खलजी डायनेस्टी है, उन खलजी डायनेस्टी के जाने के बाद मध्य प्रदेश के एरिया के अंदर आपका जो तुगलक है, तो तुगलक लोगों ने शासन किया क्योंकि पूरे भारत पे ही उन्होंने शासन किया, तो उसी तरीके से उन्होंने मध्य प्रदेश के एरिया के ऊपर भी यहाँ पर आपको शासन किया। तो एक तरह से अगर आप देखोगे तो जब से आपकी मालवा डायनेस्टी खत्म हुई तब से लेके, तो जब तक से जब से आपकी परमार डायनेस्टी खत्म हुई, सॉरी, तब से लेके जब तक मालवा डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई है, तब तक का जो समय था एक तरीके से एक अंधेर युग था मतलब आपके मालवा के अंदर, क्योंकि जो भी रूल था वो तुगलकों के द्वारा या खलजी राजा जो है उनके द्वारा यहाँ पे मध्य प्रदेश में शासन चलाया जाता था। लेकिन उसके बाद कुछ चीजें यहाँ पे बदली, और चीजें बदलने का जो कारण था वो था कि उस समय पे 1499 में, 1399 और 1400 का जो समय था, 1400 1300 1900, इस समय पे भारत के ऊपर एक बहुत महत्वपूर्ण हमला हुआ। महत्वपूर्ण मतलब हमारे हिसाब से महत्वपूर्ण तो नहीं हो सकता, लेकिन इतिहास ने उसको एक नए मोड़ की तरफ ले गया। वहां पर जो तैमूर है, तो तैमूर लंग ने भारत के ऊपर हमला किया, दिल्ली पे हमला किया। और जिस समय तैमूर ने हमला किया था उस समय दिल्ली का जो राजा था उसका नाम था नसरुद्दीन, नसरुद्दीन आपका खिलजी, तो नसरुद्दीन तुगलक। तो नसरुद्दीन तुगलक उस समय आपका राजा हुआ था, करता था। और इसके समय पे जो हमला है वो उसके समय पे यहाँ पर आपका तैमूर का यहाँ पर आपको हमला होता है। जब इसका हमला हुआ तो कई सारे जो स्टेट्स थे वो सब धीरे धीरे आपको स्कैटर्ड होने लगे। नसरुद्दीन ने तैमूर के साथ में एक बड़ी बैटल लड़ी, और जब वो बैटल उस बैटल को उस युद्ध को जब वहां पर नहीं जीत पाया, और उसके बाद जब उसकी वहां पर लगभग हार होने लगी, तो वहां से भाग के वो गुजरात आ जाता है। गुजरात में उस समय पे लोकल आपकी जो डायनेस्टी थी, अब गुजरात के अंदर भी जो डायनेस्टी थी वो तुगलक लोगों के अंडर थी या दिल्ली सल्तनत के अंडर थी। और उसके बाद दूसरी जो डायनेस्टी थी यहाँ पर आपका, वो मालवा डायनेस्टी हुआ करती थी। जैसे अगर इस मैप के अंदर आपको मैं दिखाऊं तो ये आपका मालवा का मैप था। तो मालवा डायनेस्टी और गुजरात डायनेस्टी दो इंपॉर्टेंट उस समय मतलब बनी नहीं थी, लेकिन लगभग लगभग इनका जो फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपको होने का था। अब मालवा का जो एरिया या गुजरात का जो एरिया था ये उस समय तुगलक के अंडर था, लेकिन इतनी दूर तक वो लोग प्रॉपर शासन नहीं कर पाते थे। और नसरुद्दीन शासन जो तुगलक था वो खुद एक कमजोर राजा था, उसके कारण प्रॉपर तरीके से उन लोगों का जो शासन था वो इस एरिया के अंदर यहाँ पर आपको नहीं चल पाया। खैर, जब वो गुजरात आता है तो गुजरात के अंदर शरण लेता है, लेकिन गुजरात के जो राजा थे उनको ये डर था कि अगर मैंने अगर नसरुद्दीन को यहाँ पे शरण दी तो तैमूर मेरे ऊपर भी हमला कर सकता है। और उसके कारण कुछ समय बाद जो मालवा के राजा, गुजरात के राजा थे, उन्होंने इनको यहाँ से आपका बाहर भगा दिया। इनको जो नसरुद्दीन है उनको अपने गुजरात के राजा से आपको बाहर कर दिया। उसके बाद वो जाते हैं मालवा के अंदर, और मालवा के अंदर उनका एक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था, उसका नाम था दिलावर खां। और दिलावर खां जो था वो उनका सबसे विश्वसनीय व्यक्ति हुआ करता था आपके तुगलक लोगों का। तो उसको उन्होंने जाके वहां पर आपको शरण दी, और कुछ समय तक वहां पर उसने आपका शरण लिया। अब अगर इस मालवा के मैप को मैं आपको दिखाऊं, तो मालवा की जो उस समय की जो लोकेशन थी, उस समय की लोकेशन के हिसाब से यहाँ पर आपको ये मालवा डायनेस्टी है, इसके ऊपर यहाँ पर आपको मेवाड़ मिलेगा, ठीक है। मेवाड़ के बाद यहाँ पर एक हथौड़ी करके डायनेस्टी है, हथौड़ी और गागरोन, गागरोन अभी मध्य प्रदेश से आपका लगा हुआ एरिया है, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा नीचे आएंगे, मालवा के अंदर ही आप आओगे, तो वहां पर आपको मिलेगा भीलसा, भीलसा मतलब आपका विदिशा, चंदेरी, सारंगपुर, उज्जैन, मांडू, और आपका अवसरसगढ़, कुछ काम जगह का नाम है वो, एक्चुअली क्लियर वो नहीं है,
है ना, इट्स आवसगढ़। उसके बाद नीचे आप आओगे तो यहाँ पे निमाड़ है। निमाड़ भी एक समय पे उन्हीं के अंडर हुआ करता था तुगलकों के, और जब तैमूर का हमला हुआ तो उस समय निमाड़ भी स्वतंत्र हो गया, और वहां पर एक इंडिपेंडेंट डायनेस्टी है, द डायनेस्टी इज कॉल्ड द फारूकी डायनेस्टी, वहां पर आपको एस्टेब्लिश हुए। उसके थोड़ा सा आप इस तरफ आओगे तो यहाँ पर आपको गोंडवाना मिलेगा, भिलसा के ठीक नीचे गोंडवाना, जहाँ पे रानी दुर्गावती और वृदेशा वगैरह जो इनका शासन हुआ करता था। उसके नीचे यहाँ पर आपको खानदेश मिलेगा। खानदेश इज द एरिया ऑफ जो आपका निमाड़ के नीचे वाला एरिया है खानदेश, जहाँ पे बुरहानपुर वगैरह उसका पार्ट था, और यहाँ पर आपका असीरगढ़ है। तो ये कुछ लोकेशन है उस समय मालवा की लोकेशन हुआ करती थी। ऊपर सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेट था वो था मेवाड़ स्टेट, जहाँ पर रानी कर्णावती और आपके राणा कुंभा वगैरह जो है इन साम्राज्य का जो शासन था वो इस क्षेत्र के अंदर यहाँ पर आपको हुआ करता। तो ये कुछ मध्य प्रदेश के एरिया की उस समय लोकेशन थी। इस लोकेशन से आप एक बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको इस एरिया की लग गई होगी। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो नसरुद्दीन शाह है वो नसरुद्दीन तुगलक वहां से भाग के आता है, और भाग के पहले गुजरात में, और उसके बाद आपके मालवा के अंदर यहाँ पर आपको शरण लेता है। तो मालवा में तो शरण लेता है, लेकिन उसके बाद जब 1401 में, 1400 के लास्ट में, नवंबर दिसंबर 1400 के अंदर जब तैमूर वापस भारत से चला जाता है, उसके बाद नसरुद्दीन जो है वो नसरुद्दीन वापस मालवा, मालवा से निकल के वापस दिल्ली जाता है, और वहां पर अपना जो बचा हुआ शासन है उसको एस्टेब्लिश करने की यहाँ पर आपको कोशिश करता है। लेकिन जब यहाँ से दिल्ली जाता है तो उस समय पे इसके जो डायनेस्टी थी या उसका जो वंश था लगभग लगभग खत्म हो चुका था, और यहीं पे फिर जो उनकी डायनेस्टी के सबसे जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे दिलावर खां गौरी, उन्होंने एक मालवा साम्राज्य की मालवा डायनेस्टी का यहाँ पर आपका एस्टैब्लिशमेंट किया। अब इस समय पे और भी कई सारी डायनेस्टी एस्टैब्लिश हुई। एक तो मालवा डायनेस्टी है, एक मैंने आपको बताया फारूकी डायनेस्टी है, उस फारूकी डायनेस्टी का आपको एस्टैब्लिशमेंट हुआ। मालवा के अंदर भी बाज बहादुर और बाकी रूलर, गुजरात के अंदर जो बाज बहादुर वगैरह जो बाकी रूलर्स थे, तो उन बहादुर शाह, सॉरी नॉट द बाज बहादुर, बहादुर शाह और बाकी जो रूलर्स थे वो धीरे धीरे डेवलप होने लग गए इसके अंदर। उनके मतलब उनके जो वंशज पहले वाले लोग थे वो धीरे धीरे यहाँ पर आपको डेवलप होने लग गए। तो गुजरात एक इंपॉर्टेंट स्टेट के रूप में, एक महत्वपूर्ण स्टेट के रूप में यहाँ पर आपको डेवलप होने लग गया। ठीक है, तो ये दो तीन स्टेट थे उस समय यहाँ पर आपको डेवलप हुए। अब जो पूरा मालवा डायनेस्टी था, ये दो इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज ने मालवा के ऊपर आपको शासन किया है। एक डायनेस्टी है गौरी डायनेस्टी, और दूसरी जो डायनेस्टी है इट्स कॉल्ड द खिलजी डायनेस्टी। अब ये खिलजी डायनेस्टी जो है वो दिल्ली की खिलजी डायनेस्टी से अलग है। जितने भी राजाओं के यहाँ पे नाम है उनका दिल्ली के जो खलजी राजा थे उन खलजी राजाओं से उनका कोई संबंध नहीं है। दे आर द सेपरेट किंग, अलग तरीके से, पूरी तरीके से यहाँ पर आपको डिफरेंट किंग थे, तो उनका उनसे कोई लेना देना आपका नहीं है। दोनों अलग अलग डायनेस्टी से बेसिकली जो खलजी लोग थे ये एक तरीके से, ये जो खलजी थे आपके मालवा के अंदर ये अफगान लोग थे, और ये कहीं ना कहीं इनके इन्हीं डायनेस्टीज के अंदर या इन्हीं की फैमिली वाले जो ग्रुप हैं इनके लाइनेज के अंदर फिर आपके शेरशाह सूरी बाद में हुए। तो खिलजी डायनेस्टी और गोरी डायनेस्टी दो इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज यहाँ पे थी, जिसके अंदर पहली जो डायनेस्टी थी इट्स कॉल्ड द गोरी डायनेस्टी, उसमें तीन इंपॉर्टेंट राजा हुए। पहले राजा थे दिलावर खां गौरी, देन होशंग शाह गौरी, और तीसरे आपके मोहम्मद गौरी। तो तीन गौरी राजा हुए, दिलावर खां 1401 से लेकर 1406, होशंग शाह गौरी 1406 से 1435, और आपके मोहम्मद गौरी 1435 से लेके 1436 तक। उसके दूसरी जो इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी इट्स कॉल्ड द खिलजी डायनेस्टी, अब दिल्ली के खिलजी से कोई मतलब नहीं है। इनके जो राजा हुए महमूद खिलजी फर्स्ट, जो होशंग शाह गोरी की डेथ के बाद या उनको पद से हटाने के बाद खुद राजा बने, ग्यासुद्दीन खिलजी दूसरे राजा बने, देन नादिर शाह, महमूद शाह खिलजी, एंड उसके बाद कादिर शाह। खैर कादिर शाह इनकी डायनेस्टी के नहीं है, और उसी समय पे जब कादिर शाह का शासन था, कादिर शाह के बाद शेरशाह सूरी का हमला होता है, शेरशाह सूरी के पहले यहाँ पे हुमायूं का हमला होता है, और हुमायूं कुछ समय तक मालवा को कैप्चर करता है, और उसके बाद आखिरी जो राजा बनते हैं उनका नाम था बहादुर शाह, जिन्होंने 1556 से लेकर 1561 तक यहाँ पर आपको शासन किया। तो उसके बाद इनका जो डायनेस्टी है वो डायनेस्टी यहाँ पर आपका खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये आपकी मालवा डायनेस्टी हुई या आपका मालवा वंश हुआ, ये इंपॉर्टेंट आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब एक एक करके इन राजाओं के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं कि किस राजा के टाइम पर क्या क्या चीजें हुई। और एज यू नो कि जो फाउंडर थे 1401 से लेके 1406 तक, 1401 से लेके, तो 1406 तक जो राजा हुए उनका नाम था दिलावर खां गौरी, और उन्होंने इस नई डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट किया। और एस्टैब्लिश कैसे किया, जब आपके तुगलक जो है वो कमजोर हुए तो उनके ही शासन के ऊपर इन्होंने यहाँ पर आपको एस्टैब्लिशमेंट किया। अब इसका जो वास्तविक नाम था दिलावर खां का, उसका नाम था हुसैन खान या अमीन खान इसका नाम था, लेकिन ये जो फिरोज शाह तुगलक के साथ में जब काम करता था तो फिरोज शाह तुगलक ने उसको जो दिलावर खां का जो उपाधि है, द टाइटल ऑफ दिलावर खां है,
तो उसने उसको दिलावर खां का टाइटल आपको वहां पर आपको दिया, तो और बाद में उसी नाम से उसने शासन करना यहाँ पर आपको शुरू कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद जो मोहम्मद शाह तुगलक हुए, तो उन्होंने जो दिलावर खां गोरी है, तो इसको मालवा का सूबेदार जो 1390 में, तो 1390 के अंदर मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। क्वेश्चन आ सकता है कि दिलावर खां जो गोरी है ये किस साल में मालवा का सूबेदार या मालवा का सूबेदार या सिपह सालार, कोई भी वर्ड आपको एग्जाम में आ सकता है, तो कब मालवा का सूबेदार या मालवा का जो सिपह सालार बना है, 1390 में इसको अपॉइंट किया गया। ठीक है, अब इसके टाइम पर जब उसने एक इंडिपेंडेंट जो डायनेस्टी हो, इंडिपेंडेंट डायनेस्टी यहाँ पर आपको एस्टैब्लिश की। ठीक है, जबकि वो राजा जब आपका नसरुद्दीन है, जब यहाँ पर आपको कमजोर हो गया, लेकिन जब नसरुद्दीन को यहाँ पे शरण दी गई थी मालवा के अंदर, तो उस समय इसका जो बेटा था आपके दिलावर खां का, उसका नाम था अल्प खान, वो अपने पिता से बड़ा नाराज था कि आपने अगर इसको शरण यहाँ पर आपको दिया है तो उसके कारण हो सकता है कि जो तैमूर है वो तैमूर हमसे नाराज हो जाए और तैमूर हमारे क्षेत्र के ऊपर या हमारे भूल के ऊपर यहाँ पर आपको हमला कर दे। तो उससे अपने पिता से नाराज होकर जो अल्प खान था वो यहाँ से भाग के मांडू चला जाता है, क्योंकि इनका जो कैपिटल था दिलावर खां गोरी का, इनका कैपिटल जो है वो धार हुआ करता था। और इसके पहले राजा भोज, उसके बाद अलाउद्दीन का शासन हुआ, तुगलक का शासन हुआ, इन सभी समय के अंदर मालवा का जो डायनेस्टी था या मालवा का जो आपका जो कैपिटल था वो धार हुआ करता था। धार के अंदर खरबूजा महल वगैरह भी उस समय आपका एस्टैब्लिश हुआ। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि कैपिटल जो था उनका आपका धार हुआ करता था। लेकिन जब वो अपने पिता से नाराज हुआ अल्प खान, और अपने पिता से नाराज होके यहाँ से वो मांडू चला जाता है, धार के पास ही एक जगह है मांडू, थोड़ा सा हिली एरिया है, पहाड़ के ऊपर बसा हुआ, और स्ट्रेटेजिक लोकेशन के हिसाब से या रणनीतिक जो चीजें हैं वो रणनीति के हिसाब से यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए फिर होशंगशाह गौरी है। अब उसके बाद जब दिलावर खान की डेथ होती है, दिलावर खान की डेथ के बाद उसका जो बड़ा बेटा था उसका नाम था अल्प खान, तो अल्प खान यहाँ पे राजा बनता है, और जो अल्प खान था इसी ने फिर आपका जो होशंगशाह का जो उपाधि है, इसी ने होशंगशाह का उपाधि यहाँ पर आपको धारण किया। तो अल्प खान जो है इज असेंडेड द थ्रोन विद द टाइटल ऑफ द होशंगशाह। तो क्वेश्चन आ सकता है कौन किसने अपना नाम जो है वो होशंगशाह रखा, तो अल्प खान वॉज टाइटल एज द होशंगशाह। अब इसने धीरे धीरे करके अपना क्षेत्रफल बढ़ाना किया, उसने मालवा का जो नर्मदा है तो नर्मदा के आसपास के एरियाज के ऊपर अटैक करना शुरू किया, और उसके अंतर्गत इसने होशंगाबाद के ऊपर हमला किया और होशंगाबाद वाले एरिया में, और होशंगाबाद जो शहर है उस होशंगाबाद शहर को स्थापित किया, और होशंगाबाद का जो किला है उस किले को भी यहाँ पर आपको उसके लिए को भी आपको एस्टैब्लिश किया। देन आपको पता ही होगा कि होशंगाबाद का जो नाम है तब से लेके होशंगाबाद था, और अभी रिसेंटली 2020 के अंदर शिवराज सिंह चौहान ने, उन्होंने उसका नाम चेंज करके नर्मदापुरम नाम करने की आपकी सिफारिश की थी, उन्होंने घोषणा की थी, और जो होशंगाबाद जो संभाग है उसका नाम ऑलरेडी 2008 के अंदर है ना, 8 के अंदर उसका जो नाम है वो नर्मदापुरम यहाँ पर आपको कर दिया गया था। ठीक है, तो इसने होशंगाबाद जो शहर है, होशंगाबाद का जो किला है वो किला एस्टैब्लिश किया। उसके बाद उसने कई सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस बनाए, इट्स कॉल्ड द जहाज महल, हिंडोला महल मांडू के अंदर। आर्किटेक्चर हम अलग से पढ़ेंगे, जब पूरे मध्यप्रदेश का आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो समय मालवा का आर्किटेक्चर भी आपको मैं अलग से पढ़ाऊंगा, यहाँ पे सिर्फ बेसिक चीजें आर्किटेक्चर की मैंने यहाँ पर आपको ऐड की है। तो जहाज महल और हिंडोला महल है, इस प्रकार की जो बिल्डिंग्स है, इस प्रकार की बिल्डिंग्स वहां पर निर्माण करता है, और ये मालवा का पहला ऐसा राजा था जिसने सोने चांदी के जो सिक्के हैं, गोल्ड और सिल्वर के जो सिक्के हैं, उन सिक्कों को मालवा के अंदर यहाँ पर आपको जारी किया। और गोल्ड सिल्वर या कॉपर के सिक्के जारी करने का मतलब है कि जो भी राजा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट राजा था, बड़ा स्ट्रॉन्ग राजा था, उसका बड़ा पैसा हुआ करता था, या उसके राज्य के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह थी वो बहुत अच्छे लेवल पे थी, इसके लिए डेफिनेटली उसका जो राज्य है वो सोने चांदी के जो सिक्के हैं, वो सोने चांदी के सिक्के यहाँ पर आपको जारी कर पाया। उसके बाद इसने अपना जो कैपिटल था वो धार से मांडू के अंदर शिफ्ट किया। अब धार से मांडू शिफ्ट करने का जो मेन रीजन था, उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यहाँ पर यह था कि जो मांडू है वो थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली या फिर आपका जो रणनीति के हिसाब से यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ पर अगर कोई इसके ऊपर हमला करना थोड़ा सा आपको मुश्किल होता है, तो उसके कारण जो होशंगा आपके इन्होंने यहाँ पर आपका अपना जो कैपिटल है वो कैपिटल ट्रांसफर किया। और कैपिटल ट्रांसफर करने के बारे में जो निर्णय है वो उस समय जब उनके पिता का शासन था उसी समय ने ये निर्णय वहाँ पर आपको ले चुके थे। उसके बाद इनके टाइम पर आपका जो मालवा का हमला, गुजरात का जो हमला है, गुजरात का हमला स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि गुजरात के जो राजा थे उनकी एम्बिशन थी कि वो तुगलक के बाद पूरे भारत के ऊपर यहाँ पर आपको कंट्रोल करें या पूरे भारत के ऊपर साम्राज्य करें। उसी कड़ी के अंदर जो मालवा के राजा, आपके गुजरात के राजा थे, सुल्तान अहमद शाह, वो उज्जैन के ऊपर हमला करते हैं 1418 में, 1422 में महेश्वर के ऊपर हमला करते हैं, और कई सारी जो मूर्तियां हैं या कई सारी जो चीजें हैं मालवा के अंदर से उसको यहाँ पर आपको नष्ट
अरेस्ट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो आपके होशंगशाह गोरी हैं, वो उनका बेटा था, उसका नाम था गजनी खान, और गजनी खान को अपना उत्तराधिकारी या अपना जो रेसिडेंट है वो अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं, सक्सेसर घोषित करते हैं, और उसके कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। अगले जो राजा बनते हैं वो अभी सी बात है आपके गजनी खान बनेंगे, तो गजनी खान जो है वो मोहम्मद गोरी के नाम से यहाँ पर आपको टाइटल एक्सेप्ट करते हैं। तो दूसरा टाइटल आपको याद करना है कि गजनी खान जो था उसने गौरी, मोहम्मद गौरी के नाम से जो टाइटल है वो टाइटल यहाँ पर आपको एक्सेप्ट किया था। अब होशंगशाह जो थे उनका बेटा है यहाँ पर गजनी खान, यहाँ पे राजा बनता है, और उसने जो टाइटल था वो मोहम्मद शाह गौरी का जो टाइटल है वो टाइटल यहाँ पर एक्सेप्ट किया, और इस टाइटल के साथ में पदवी के ऊपर यहाँ पर बैठता है। और जब होशंगशाह, जब आपका मोहम्मद गौरी जब छोटा बच्चा था या जब उसके पिता के साथ में यहाँ पे था, तो उसके पिता ने उसको एक टाइटल दिया था, द टाइटल इज कॉल्ड द रेवान। यहाँ पे उसको थोड़ा सा जूम करने के कारण जो पेन है वो पेन प्रॉपरली चल नहीं पा रहा, आई थिंक इसमें भी आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉपर पेन का फंक्शन चल जाएगा, एक मिनट, जस्ट वेट। ठीक है। तो ये राजा बनता है और 16 साल की उम्र में इसको जो रेवान का टाइटल है अपने पिता के द्वारा, रेवान का टाइटल उसको यहाँ पर आपका दिया गया, ठीक है। अब शुरू में जब इसने शासन किया तो शुरू में तो इसका शासन काफी अच्छा था, प्रॉपर तरीके से इसका रूल वगैरह यहाँ पर आपको चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे जब सत्ता उसको ऐसे ही अपने पिता से मिल गई थी, तो सत्ता जब आपको ऐसे फ्री में मिलती है या बिना मेहनत के मिलती है, तो धीरे धीरे उसने अपना रंग दिखाना शुरू किया। शुरू के अंदर तो इसका रूल वगैरह सब कुछ अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे इसने फिर बुरी आदतें वगैरह यूज कर वो करना शुरू कर दी, शराब वगैरह पीना और बाकी प्रकार की चीजें स्टार्ट कर, जिसके कारण जो प्रजा के ऊपर जो ज्यादा ध्यान है वो प्रजा के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया, और उसी के कारण उसने अपना जो पूरा शासन था, तो उसका एक सेनापति था, उसका नाम था महमूद शाह खिलजी, तो महमूद शाह था, महमूद शाह खिलजी, तो उसको अपना पूरा जो अंपायर है या पूरा साम्राज्य है वो शासन करने को दे देता है कि ठीक है मैं राजा हूँ, मेरे अंडर अगर तुम अपना जो शासन है तुम इस शासन को यहाँ पर आपको कंटिन्यू करो। और जब उसका शासन यहाँ पर वो करता है, और कुछ टाइम बाद जब महमूद आपका जो मोहम्मद गौरी है, तो मोहम्मद शाह गौरी है, जब ये थोड़ा सा वीक होता है, कमजोर होता है, और उसके बाद जो खिलजी है वो खिलजी इसकी हत्या कर देता है, मोहम्मद खिलजी, और उसके बाद खुद अपना एक नया जो साम्राज्य है और एक खिलजी वंश की स्थापना मालवा के अंदर यहाँ पे करता है। तो इसी प्रकार से मालवा के अंदर जो पहली डायनेस्टी है गौरी डायनेस्टी, इस गौरी डायनेस्टी का एंड हुआ, और इस गौरी डायनेस्टी के एंड के बाद एक जो नई डायनेस्टी है इट्स कॉल्ड द खिलजी डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी मध्य प्रदेश के अंदर यहाँ पर आपको स्थापित हुई। अब ये बात याद रखिएगा कि ये जो खिलजी राजा है, इन खिलजी राजा का आपके दिल्ली के खिलजी राजा जो है इनसे किसी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद जब वो मोहम्मद शाह गोरी की हत्या करता है, और उसके बाद महमूद शाह खिलजी है ये खिलजी वंश की यहाँ पर आपको स्थापना करता है, 14 मई 1436 को, 14th of May 1436 को इनका जो डायनेस्टी है, डायनेस्टी यहाँ पर आपको स्टैब्लिश होता है, और ही बिकम द फर्स्ट किंग, या पहले यहाँ पर आपको राजा बनते हैं। लेकिन इनके सामने कई सारे चैलेंजेस थे, सबसे बड़ा जो चैलेंज इनके सामने था वो था मेवाड़, और मेवाड़ उस समय पे काफी एक इमर्जिंग स्टेट के रूप में या काफी एक बड़े साम्राज्य के रूप में यहाँ पर आपको जन डेवलप हो रहा था। ये वही डायनेस्टी है जहाँ पर आगे आपके जो राणा सांगा है या आपके जो राणा महाराणा प्रताप वगैरह है, ये सब राजा यहाँ पर आपको हुए, और यहाँ पे बप्पा रावल से लेके तो राणा सांगा और महाराणा प्रताप, ये कई सारे बड़े बड़े जो सूरमा है भारत के, ये सूरमा इनके डायनेस्टी के अंदर यहाँ पर आपको हुए थे। तो बहरहाल 1436 के अंदर ये अपना जो शासन है ये शासन यहाँ पर आपको नियुक्त करता है, और उसके बाद इसका जो अमीर था, अमीर मतलब जो उसका वजीर आप बोल सकते, मुशरिम उल मुल्क जो व्यक्ति था उसको अपने अमीर के रूप में या अपना जो उससे अपना जो वजीर है वो वजीर के रूप में यहाँ पर आपको स्टैब्लिश करता है। जस्ट वेट। इसको वजीर के रूप में यहाँ पर आपको स्थापित करता है, ठीक है, और उसी के साथ में धीरे धीरे इसका जो शासन है वो शासन यहाँ पर आपको शुरू होता है, ठीक है। उसके बाद इसके जो पिता थे, जब इसने जब सत्ता यहाँ पर आपको हती आई, तो इनका मेन इंटेंशन था कि अपने जो पिता हैं अपने पिता को यहाँ पे राजा बनाने का, लेकिन पिता का बोलना था कि बेटा अब मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, है ना, मेरा तो कोई शासन वगैरह करने का मन नहीं है, लेकिन तू जरूर इस एरिया के ऊपर यहाँ पर रूल करना। और जो मलिक, उनके जो पिता थे उनका नाम था मलिक मुथिर, तो उनको मलिक मुथिर जो है उनको यहाँ पर एक टाइटल देता है, द टाइटल इज कॉल्ड द आजम हुमायूं। तो अपने पिता को आजम हुमायूं का टाइटल जो है वो टाइटल देता है, और उस टाइटल के साथ में मालवा के ऊपर जो शासन था वो मालवा के ऊपर शासन करना वो स्टार्ट करता, पिता की जगह उन्होंने अपने बेटे को यहाँ पर जो राजा है वो राजा यहाँ पर आपको बनाया था, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जब इनके बीच में जब बैटल यहाँ पर आपको चलती है, जब सब चीजें यहाँ पर आपको चल रही होती है,
उसी के टाइम पर जो राणा कुंभा है, जो उस समय पे मेवाड़ के राजा हुआ करते, तो राणा कुंभा की जो वाइफ थी उनका नाम था कर्णावती, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि होशंग शाह जो था, उसका जो होशंग शाह गौरी था, क्योंकि आपको पता ही है, जैसे आपको मैंने बताया कि उन्होंने गोरी डायनेस्टी जो है वो गोरी डायनेस्टी को एंड कर दिया, गोरी डायनेस्टी के जो राजा थे उनकी हत्या करके मोहम्मद गौरी मोहम्मद खिलजी जो है यहाँ पर आपको राजा बना है। तो उस समय पे जो मेवाड़ के राजा थे राणा कुंभा, उन्होंने उस्मान शाह जो था, जो होशंग शाह गोरी का बेटा था, जो सेकेंड राजा था उसका बेटा था, तो उसके बेटे को यहाँ पे सपोर्ट किया और सपोर्ट करके बोला कि अगर तुम हमारे साथ में रहते हो तो तुमको जो मालवा का जो सल्तनत है वो फिर से आपको दिला दी जाएगी। तो उसी लालच में जो महमूद आपका जो उस्मान खान था तो उसकी शरण में यहाँ पे चला गया, और उसके कारण इनके बीच में मेवाड़ और मालवा के बीच में डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ, और उसी कारण इन दोनों के बीच में एक इंपॉर्टेंट बैटल होती है, महमूद खिलजी फर्स्ट और राणा कुंभा के बीच में। और उसके अंदर जो सुल्तान है वो सुल्तान चित्तौड़ के ऊपर अटैक करते हैं 1442 में, 1485 में, और वहां पर उन लोगों के बीच में गागरों के पास में एक जगह है, वहां पर एक बैटल इनके अंदर होती है। और उस बैटल के अंदर अब कौन जीता कौन हारा इसके बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन हमको पक्की मिलती नहीं है, क्योंकि जो मालवा के जो मुस्लिम जो आपके लोग थे या मुस्लिम इतिहासकार थे उनका बोलना था कि महमूद खिलजी इस बैटल को जीता, जबकि जो राजस्थानी जो इतिहासकार थे, राजस्थानी हिंदू इतिहासकार थे, उनका बोलना था कि राणा कुंभा जो है वो उस बैटल को यहाँ पर आपको जीते थे। अब इसके जीत के उपलक्ष्य में राणा कुंभा जो है वो एक विजय स्तंभ का निर्माण करते हैं, जो अभी भी चित्तौड़ के अंदर एक बड़ा सा विजय स्तंभ है, उस विजय स्तंभ का निर्माण वहां पर आपको करते हैं इन उसके उपलक्ष्य में या उसकी जीत के उपलक्ष्य में, तो बड़ा सा स्तंभ बनाते हैं। और उसी प्रकार से आपका जो मालवा के अंदर जो खिलजी राजा है मोहम्मद खिलजी है, ये उस समय पे वहां पर मालवा के अंदर एक प्लेस है, द प्लेस इज कॉल्ड अशरफी महल, तो उस अशरफी महल का यहाँ पर आपको निर्माण करते हैं, ठीक है। अब इनके टाइम पर भारत के अंदर पहली बार या मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पहली बार चांद के ऊपर आधारित जो आपका जो पंचांग है या आपके मून के ऊपर आधारित जो पंचांग है, उस पंचांग को पहली बार मध्य प्रदेश के अंदर यूज किया जाता है, क्योंकि जो मुस्लिम डायनेस्टी है या जो मुस्लिम राजा थे वो हमेशा आपका जो चांद है वो चांद के हिसाब से सब चीजें उनकी होती है, तो चांद को लेके आपका पहला जो पंचांग है वो जारी करते, और चांद का जो मंथ था रबी और खरीफ की जो फसलें थी उनको चांद का जो मंथ होता था उस साइडरल मंथ के हिसाब से वो उसका कलेक्शन करते हैं। और उसके बाद इन्हीं के दरबार में एक व्यक्ति हुए, उनका नाम था आपका मथिर मोहम्मद शाही, तो उन्होंने मालवा का जो इतिहास है हिस्ट्री ऑफ मालवा उन्होंने यहाँ पे लिखना स्टार्ट किया, मथिर मोहम्मद शाही है उन्होंने मालवा का हिस्ट्री या इतिहास है वो लिखना यहाँ पर आपको शुरू किया, ठीक है। तो इनका नाम आप जरूर यहाँ पर आपको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद इनके दरबार का जो चर्चा था मोहम्मद शाह खिलजी का वो काफी दूर तक यहाँ पे फैला था, और उसके कारण आपके जो मिस्र के राजा थे अब्बासी जो खलीफा राजा थे, खलीफा जो एक तरीके से जो मुस्लिम राजा हैं या जितने भी मुस्लिम डायनेस्टीज है पूरी दुनिया में उस समय हुआ करती थी, उन सबके एक तरीके से रिलीजियस और पॉलिटिकल लीडर हुआ करते थे, उन्होंने अपना एक जो दूत है या अपना एक जो एम्बेसडर है वो मांडू के दरबार में यहाँ पे भेजा था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मांडू का जो सूबे ये जो दूत यहाँ पे भेजा गया था वो दूत दिल्ली के दरबार में भी नहीं था लेकिन मालवा के दरबार में था, तो आप समझ सकते हो कि मालवा उस समय पे कितना इंपॉर्टेंट या कितना महत्वपूर्ण यहाँ पर आपको रहा होगा, ठीक है। उसके बाद महमूद शाह खिलजी जो हैं, इनके बाद अगले जो राजा बनते हैं उनका नाम था ग्यात मोहम्मद शाह, ग्यात शाह या ग्यासुद्दीन खिलजी के नाम से उन्होंने टाइटल एक्सेप्ट किया, 1469 से लेके 1500 तक उन्होंने यहाँ पर आपको शासन किया। तो महमूद जो खिलजी थे, सुल्तान महमूद खिलजी का जो बड़ा बेटा था, इट्स कॉल्ड महमूद ग्यात शाह या ग्यासुद्दीन खिलजी है, 1469 के अंदर यहाँ पर आपको शासन के ऊपर आपको एस्टैब्लिश होता है। और इसके पहले इसके पिता वगैरह जो थे उन्होंने यहाँ पे जो लोकल राजपूत थे उनके साथ में भी बैटल किया, गुजरात के साथ में भी उन्होंने बैटल किया, उसके बाद उन्होंने आपका जो मेवाड़ था उसके साथ भी उनके बैटल चलते रहे, तो कई सारे बैटल्स उनके थे, लेकिन इसने थोड़ा सा शांति स्थापित करने का, पीस एस्टैब्लिशमेंट करने की यहाँ पर आपको कोशिश की। और ये भी जैसे आपका मोहम्मद शाह गोरी था वैसे ही थोड़ा आराम पसंद राजा था, पूरे टाइम तक ये अपना जो हरम है तो हरम के अंदर रहता था, और उसने अपना पूरा जो साम्राज्य था, इसका बेटा था उसका नाम था नसरुद्दीन, तो नसरुद्दीन को पूरा शासन दे दिया, और नसरुद्दीन को शासन देने के बाद खुद हरम वगैरह के अंदर टाइम स्पेंड वहां पर आपको करता था, ठीक है। अब उसके बाद उसके दो बेटे थे, एक बेटा था नसरुद्दीन और दूसरे का नाम था अलाउद्दीन। अब दोनों बेटों के बीच में जब पिता कमजोर राजा यहाँ पर आपको हुआ तो दोनों बेटों के बीच में नसरुद्दीन और अलाउद्दीन है दोनों के बीच में एक बैटल जो है, एक आप बोल सकते हो कि एक द वॉर ऑफ सक्सेशन है या उत्तरा
उत्तराधिकारी का युद्ध यहाँ पर आपको स्टार्ट होने लग गया, और अल्टीमेटली जो नसरुद्दीन है वो इसके अंदर विक्टोरियस होता है। नसरुद्दीन ने क्या किया कि अलाउद्दीन और उसकी जो माँ थी उनका नाम था रानी कुर्दिश, इनका नाम बड़ा याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो रानी कुर्दिश और अलाउद्दीन जो है इन दोनों को पकड़ के इनको कैद करा, और कैद करने के बाद इनकी यहाँ पर आपको हत्या कर दी, और खुद यहाँ पर जो राजा है वो खुद यहाँ पर आपको राजा बन जाता है। फिर 1500 के अंदर इसकी डेथ होती है और आपके ग्यासुद्दीन की, और उसके बाद जैसा कि उसने अपने बेटे नसरुद्दीन को यहाँ पे शासन दिया था, नसरुद्दीन मालवा का अगला जो शासन है वो अगला शासन यहाँ पर आपको बनता है। ठीक है, तो नसरुद्दीन वॉज द थर्ड किंग जो यहाँ पर आपको राजा बनेगा, और यहाँ पर जो राजा है ये आपके जो नासिर शाह के नाम से जो टाइटल है, तो नासिर शाह के नाम से टाइटल एक्सेप्ट करता है नसरुद्दीन, इट्स टाइटल एज द नासिर शाह। उसके नाम से यहाँ पर जो टाइटल है वो टाइटल यहाँ पर आपको एक्सेप्ट करता है, और उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि जो नासिर शाह, तो इसकी डेथ उज्जैन के अंदर आपको हो गई थी। ऐसा जहांगीर जो है उन्होंने अपनी जो किताब थी तुजुक के जहांपरी उसके अंदर इसके बारे में डिस्क्राइब किया है, और उसका डिस्क्राइब करके उसका बोलना था कि ये जो नासिर शाह था ये उज्जैन गया था, और उज्जैन में इसने अपना जो बेटा था आपका आजम हुमायूं उसको अपना सक्सेसर यहाँ पर आपको घोषित किया है ना। नासिर शाह का बेटा है आपका महमूद शाह, वो अगला राजा बनेगा, और महमूद शाह खिलजी सेकंड। तो शिवपुरी के अंदर, शिवपुरी इज अर्लियर कॉल्ड द सिपरी, तो सिपरी के अंदर ये एक दरबार लगाता है, और दरबार लगा के अपना जो बेटा है आजम हुमायूं उसको अपना सक्सेसर घोषित करता है, और सक्सेसर घोषित करने के बाद जब वापस लौटता है तो उज्जैन जाता है, और उज्जैन के अंदर एक पैलेस है, द पैलेस इज कॉल्ड द कालियादेह पैलेस, है ना, जो काफी पुराना पैलेस माना जाता है, और कहा जाता है कि महाराजा विक्रमादित्य थे उनके टाइम पर उस कालियादेह पैलेस को बनाया गया था। कुछ लोगों का मानना है कि वो जो पैलेस था वो परमार कालीन यहाँ पे पैलेस है, अब एग्जैक्ट उसके बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो, क्योंकि पूरा खंडर हो चुका है। तो कालियादेह पैलेस वहां पे बना था, और इसका जो नासिर शाह था ये एक नशा करता था, आपके जो मरकरी होती है, पारा होता है, पारे का नशा करता था, और पारे के नशे के कारण जो बॉडी टेम्परेचर है बॉडी टेम्परेचर काफी इंक्रीज हो जाता है, एंड फॉर दैट रीजन ये पूरे टाइम वहां पे दो कुंड बना रखे हैं। अभी भी अगर आप वहां पे जाओगे तो दो कुंड वहां पे बने, तो उन कुंड के अंदर बैठ के वहां पर आपको आराम करता था, और उसी समय पे उस कुंड में जब आराम कर रहा था तो उसी समय पे इसकी डूबने के कारण हत्या हो जाती है, कई सारी वुमेन्स के साथ में कोई जल क्रीड़ा वगैरह कर रहा होगा उसी समय इसकी मृत्यु हो जाती है। कुछ लोगों का मानना था कि वहां पर जो आजम हुमायूं है उसका बेटा था उसे सब्र नहीं हुआ, भैया अब राजा बनना है तो पिताजी को निपटा दो अपन राजा बन जाते, तो अलग अलग स्टोरीज हैं, लेकिन तुजुके बाबरी के अकॉर्डिंग वहां पे नहाते हुए उसकी यहाँ पर आपको मृत्यु हो जाती है। तो ये नासिर शाह था 1501 से लेके 1511 तक। अगला राजा बनता है मालवा डायनेस्टी का, इट्स कॉल्ड द महमूद शाह खिलजी सेकंड, जो उनका बेटा था जो आजम हुमायूं जिसको राजा डिक्लेयर किया था। इसका जो शासन काल था 1511 से लेके 1533 तक, 1511 से लेके 1513 तक इसका जो शासन है वो शासन यहाँ पर आपको रहता है। अब इसके टाइम पर जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुई, सबसे इम्पॉर्टेंट जो था, तो इसने धीरे धीरे करके मालवा जो है उसको धीरे धीरे आपको बढ़ाना शुरू किया, और इसने कोशिश की कि बाकी एरियाज के ऊपर यहाँ पर आपको अटैक किया जाए और बाकी एरियाज अपने कैप्चर के अंदर यहाँ पर आपको लिया जाए। लेकिन इस समय में यहाँ पर क्या होता है कि जो होशंग शाह का जो बेटा है शहाबुद्दीन, वो उसकी एंट्री होती, क्योंकि मेवाड़ के जो राजा थे वो ऑलरेडी उनको सपोर्ट कर रहे थे वहां से, और यहाँ पर फिर जो मुहाफिज खान है उसकी एंट्री होती है, और उसके एंट्री होने के बाद जो शहाबुद्दीन है जो होशंग शाह गोरी का बेटा है, गोरी मतलब दूसरे राजा जो है उसी के लाइनेज का बेटा है, उसको यहाँ पर जो मालवा के जो अमीर थे वो आपका रूलर डिक्लेयर कर देते हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति को भी अमीर रूलर डिक्लेयर करना यहाँ पर लगभग लगभग उन अमीरों के हाथ में हुआ करता था, या जो अमीर थे या दरबार के जो नोबल्स थे उनके हाथ में हुआ करता था। अब महमूद शाह खिलजी से बाकी लोग ज्यादा पसंद नहीं करते थे उसको, क्योंकि माना जाता है कि इसने अपने पिता की यहाँ पर आपको हत्या कर दी थी, उसके कारण जो मालवा के अमीर है ये शहाबुद्दीन जो है उसको यहाँ पर आपको एक राजा डिक्लेयर कर देते। ये तो ऑलरेडी राजा था, दो राजा हो गए, अब मालवा के अंदर दो राजा हो गए, एक है शहाबुद्दीन और दूसरा जो है वो आपका मोहम्मद शाह खिलजी आपका सेकंड हो गया। अब यहाँ से भाग के जो महमूद शाह खिलजी है वो यहाँ से भाग के मांडू जाता है, मांडू से भाग के उज्जैन जाता है, और उज्जैन में कुछ समय तक यहाँ पे रहता है, और उसी समय पे जो जिन्होंने
आपके होशंग शाह गोरी का जो बेटा था शहाबुद्दीन, उसको यहाँ पे राजा बनाया था। उन्हीं ने एक चाल चली और चाल के तहत यहाँ पे रायचंद पुरबिया है, तो उसकी मदद करने के लिए रायचंद पुरबिया को भेजते हैं। रायचंद पुरबिया कोई नहीं था, ये आपका मेदिनी राय था, बाद में इतिहास में उसको मेदिनी राय के नाम से जाना गया। तो रायचंद पुरबिया है ये, इसके पास आता है आपके आपके महमूद शाह खिलजी के पास में उज्जैन में, और बोलता है कि मैं तुम्हारा जो शासन है वो फिर से वापस आपको लेके दूंगा, लेकिन उसके बदले मुझे जो चंदेरी, हम दोनों मिलकर हमला करेंगे और जब शासन तुमको वापस मिल जाएगा तो चंदेरी का शासन तुमको मुझे देना पड़ेगा, बाकी मालवा का शासन तुम अपने पास यहाँ पर आपको रख सकते हो। दोनों के बीच में डील होती है एंड अकॉर्डिंग टू डील ये इनके ऊपर यहाँ पर आपको हमला करते हैं, आपके उज्जैन, आपके मालवा के ऊपर और मांडू के ऊपर हमला करके जो पूरा साम्राज्य था, पूरा साम्राज्य यहाँ पर आपको वापस ले लिया जाता है। और जैसा डील हुआ था उसी हिसाब से जो मेदिनी राय है, मेदिनी राय को आपका चंदेरी वाला जो एरिया है चंदेरी, उसको यहाँ पर आपको दे दिया जाता है। और इसी समय आपको पता ही है कि इसी समय भारत के अंदर 1526 में, 1526 के अंदर जो जलालुद्दीन बाब आपका जो बाबर है, तो बाबर की भारत के अंदर ऑलरेडी यहाँ पर जो एंट्री है, बाबर की एंट्री यहाँ पर आपको हो चुकी है। तो 1526 के अंदर बाबर की एंट्री हुई और रायचंद पुरबिया है ये आपके चंदेरी के अंदर स्थापित हो, तो फिर से जो महमूद शाह खिलजी है इसको अपना शासन यहाँ पर आपका मिल जाता है। तो ही अगेन बिकेम द किंग ऑफ द मालवा। अब उस समय पे एक दूसरा इनके ऊपर हमला हुआ, ये तो शासन यहाँ पर आपको जीत गए, और उसके बाद 1526 से लेकर 1530 तक भारत के ऊपर बाबर ने हमला किया, और आगे इसके बारे में बताऊंगा कि बाबर ने फिर चंदेरी के ऊपर भी यहाँ पर आपको हमला किया, उसका कारण भी आपको मैं बताऊंगा। और लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि 28 मार्च 1531 को, 1531 के अंदर जब बाबर की डेथ हुई, और बाबर के डेथ के बाद जब हुमायूं राजा बनता है, तो हुमायूं को जो मालवा के राजा थे उनका मानना था बड़ा कमजोर राजा है, और उसी समय पे जो मालवा के राजा आपके गुजरात के राजा था बहादुर शाह, उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपको देखी कि अगर मैं दिल्ली के ऊपर हमला कर देता हूँ या मालवा और बाकी का एरिया कैप्चर कर लेता हूँ, तो इन फ्यूचर में भारत का सम्राट या जो आपका दिल्ली का राजा है वो दिल्ली का राजा यहाँ पर आपको बन सकता हूँ। उसी उद्देश्य से उसने मालवा के ऊपर यहाँ पर आपको हमला किया, और मालवा पे हमला करके महमूद जो था, महमूद शाह खिलजी सेकंड है, इसको यहाँ पर आपको अरेस्ट कर लेता है। और उसके बाद में जब इसकी मृत्यु होती है, तो उसके बाद इसका कोई भी आगे वंश नहीं था, और यहीं से जो मालवा की जो सेकेंड डायनेस्टी है कॉल्ड द खलजी डायनेस्टी, उस खलजी डायनेस्टी का यहाँ पर आपका एंड हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ हिस्ट्री के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं, क्योंकि मालवा के ऊपर जब इनका हमला हुआ, तो जैसे मैंने आपको बताया कि 1526 के अंदर आपका जो बाबर का हमला है, तो बाबर का भारत के ऊपर हमला हुआ है, और पानीपत का जो बैटल था, पानीपत का उसने यहाँ पर जो बैटल है, उस बैटल को यहाँ पर आपको, उस बैटल को यहाँ पर आपको लड़ा था। अब उस समय पे जब 1526 के अंदर जब इसने यहाँ पर आपको हमला किया, तो उस समय आपको पता है कि इब्राहिम लोधी है, उसके साथ में उसका बैटल हुआ था, और दूसरा एक और व्यक्ति था जिसने उसको इन्वाइट किया था, उसका नाम था राणा सांगा। ठीक है, और राणा सांगा का जो दोस्त है, या उनका जो एक तरीके से राणा सांगा का एक तरीके से बोल सकते हो कि उसका जो सपोर्टर है, या राणा सांगा का जो अधीन व्यक्ति है, वो आपका मेदिनी राय है, जो कहाँ पर शासन है उसका, उसका शासन जो है वो आपके चंदेरी के अंदर यहाँ पर है। तो पहले बाबर जब हमला करता है, तो आपको पता ही है कि बाबर को राणा सांगा ने बोला था कि तुम उधर से हमला करो दिल्ली की ओर से, पानीपत की ओर से, और इधर से आगरा की तरफ से मैं हमला करता हूँ, और दोनों मिलके इसको बीच में घेरेंगे दिल्ली में, और यहाँ पर इसको इसको खत्म कर देंगे इब्राहिम लोधी को। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 1526 में जब बैटल ऑफ पानीपत हुई, तो राणा सांगा ने कोई यहाँ पर आपको हमला नहीं किया। उसके बाद सेकेंड जो बैटल है राणा सांगा ने, तो बाबर ने सेकेंड राणा सांगा के ऊपर हमला किया, है ना, बैटल ऑफ खानवा के अंदर, जहां पर राणा सांगा जो है उनकी उनको हार मिली, उनको डिफीट मिली। और उसी समय पे जो मेदिनी राय है, क्योंकि उनका मास्टर था एक तरीके से मेदिनी राय, राणा सांगा वाज द मास्टर ऑफ मेदिनी राय, तो राणा सांगा अपनी जो सेना है, तो मेदिनी राय अपनी सेना लेके वहां पे जाता है और राणा सांगा की यहाँ पर आपको हेल्प करता है। और इसलिए कि उसने राणा सांगा की हेल्प की थी, उसके बाद जो बाबर है वो चंदेरी के ऊपर हमला करता है, और चंदेरी के ऊपर हमला करके इस पूरे चंदेरी वाला जो एरिया है उसको अपने अंडर यहाँ पर आपको ले लेता है। उसके बाद उस समय जो ग्वालियर के राजा थे उन्होंने भी राणा सांगा की मदद की थी, उसके कारण वो ग्वालियर के किले के ऊपर भी आपका हमला करता है। ठीक है, तो ये बैटल ऑफ चंदेरी का यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट कारण था, और उस बैटल के अंदर जो मेदिनी राय है, उस मेदिनी राय की यहाँ पर जो डिफीट है, उसकी हार यहाँ पर आपको हो जाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से मालवा के अंदर जो महमूद खिलजी की जो डायनेस्टी है, इस खिलजी का पतन हुआ, और उसके बाद मालवा के अंदर जो सबसे इमर्जिंग पावर यहाँ पर आपको आ रहा है वो है आपका बहादुर शाह।
अब एक तरफ बहादुर शाह एक इमर्जिंग पावर के रूप में डेवलप हो रहा है, उधर जो हुमायूं है वो हुमायूं दिल्ली भारत का सुल्तान बन चुका है। और उसके बाद में एक और जो दूसरा खतरा है, हुमायूं के लिए दो खतरे थे। एक खतरा था बहादुर शाह जो मालवा में धीरे धीरे डेवलप, आपका मालवा और गुजरात के अंदर डेवलप हो रहा है, धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है। और दूसरा जो खतरा था वो था शेरशाह सूरी। तो इन दोनों खतरों से उसको यहाँ पर आपको जो फाइट है, तो दोनों खतरों से यहाँ पर आपको हुमायूं को यहाँ पर आपको फाइट करना है। अब उसके लिए हुमायूं क्या करता, आपका जो बहादुर शाह जब यहाँ पर आपको अटैक करता है, तो उस समय पे मालवा का जो एरिया था, भिलसा से लेके रायसेन वाला जो पूरा एरिया है, भिलसा मतलब विदिशा, तो विदिशा से लेके रायसेन वाला जो पूरा एरिया है, इस एरिया के ऊपर एक सिलहदी करके एक राजा था, लोकल रूलर था, तो एक राजपूत लोकल रूलर था सिलहदी, इसका यहाँ पर आपको शासन हुआ करता था। और उसके बाद में जो मालवा का जो राजा है वो मेदिन राय के ऊपर वहां पर आपको हमला करता है, और हमला करने के बाद इस पूरे एरिया को, मैं आपका मालवा और चंदेरी वगैरह जो पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया को अपने शासन के अंदर यहाँ पर आपको मिला लेता है। उस समय जब सिलहदी जब राजा बना था उसके बाद, तो सिलहदी का पूरा रूल कैप्चर करके ये मालवा के अंदर यहाँ पर, या गुजरात के अंदर जो मालवा था उसके अंदर यहाँ पर आपको एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद बहादुर शाह जो है, इन्होंने रायसेन के ऊपर आपको हमला किया, और रायसेन पे जब इन्होंने हमला किया तो यहाँ पे रायसेन का जो अटैक था उसके अंदर इनकी जो हेल्प थी वो आपके जो राजा संग्राम शाह थे, संग्राम शाह आपको पता ही होगा, संग्राम शाह जो है वो गोंड डायनेस्टी जो था, या गोंड वंश था, उस गोंड वंश के राजा हुआ करते थे, और उन्होंने इनके ऊपर हमला किया, गुजरात के बहादुर शाह ने, और 1532 के अंदर रायसेन के ऊपर यहाँ पर कैप्चर किया, जिसमें संग्राम शाह और बाकी भी कई सारे जो लोकल रूलर्स थे उन्होंने उसकी यहाँ पर आपको मदद की। और उस प्रकार से जो सिलहदी और उसका जो पूरा अंपायर था वो सब कुछ उन्होंने वहाँ पर रायसेन के किले से यहाँ पर आपको कैप्चर कर लिया। और उस तरीके से 1532 में, 1532 के अंदर रायसेन के ऊपर जो गुजरात है, तो गुजरात का यहाँ पर आपका अधिकार हो जाता है। और उस समय पे जो सिलहदी थे और उनके सिलहदी के जो बाकी जो सैनिक थे, इट्स कॉल्ड द आपके ताज खान या लक्ष्मण करके उनके कई सारे सोल्जर्स थे, तो सभी सोल्जर्स की इस बैटल के अंदर डेथ हो जाती है। और जो यहाँ की जो महिलाएं थी, आपकी राजपूत महिलाएं थी, उन्होंने यहाँ पर जो जौहर है वो जौहर यहाँ पर आपका अटेम्प्ट किया था। तो इस प्रकार से जो मालवा डायनेस्टी है, वो मालवा डायनेस्टी यहाँ मालवा के अंदर गुजरात है, तो गुजरात का शासन यहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ। अब इससे जो बड़ा प्रॉब्लम होने वाला था, वो होने वाला था हुमायूं को, और हुमायूं चाहता था कि मालवा के एरिया के ऊपर जो गुजरात है उसका अधिकार यहाँ पर आपको नहीं हो। और जब इन्होंने मालवा को कैप्चर किया, तो मालवा के बाद इनका जो अगला जो टारगेट था वो था मेवाड़। अब मेवाड़ में आपको पता ही है कि जो राणा सांगा है, राणा सांगा की डेथ हो चुकी है, और उसके बाद उनकी जो वाइफ है कर्णावती, तो कर्णावती वहां पे शासन कर रही है अपने पति के नाम से यहाँ पे, या अपने हस्बैंड के नाम से कर्णावती यहाँ पे शासन कर रही है। लेकिन बहादुर शाह ने उनके ऊपर भी यहाँ पर आपको हमला किया। अब उसके बाद मध्य प्रदेश के एरिया के अंदर हुमायूं जो है, वो हुमायूं का इन्वेजन होता है, हुमायूं का हमला होता है। अब हुमायूं के हमले के दो इंपॉर्टेंट कारण थे। एक जो कारण था कि जो बहादुर शाह है, वो बहादुर शाह धीरे धीरे स्ट्रांग होता जा रहा था, मजबूत होता जा रहा था। अगर ये स्ट्रांग हो जाता है तो मालवा जो दिल्ली सल्तनत है उसको एक बड़ा नुकसान यहाँ पे होगा। और दूसरा यहाँ पर आपको रीजन था कि जो बहादुर शाह है उसने हुमायूं का एक दुश्मन था, उसका नाम था मोहम्मद जमान, तो मोहम्मद जमान मिर्जा था, उसको यहाँ पर आपको शरण दी थी, जिसके कारण जो हुमायूं है, हुमायूं इससे यहाँ पर आपको बड़ा नाराज हुआ करता है। और जब उसने हुमायूं ने जब मालवा के ऊपर कैप्चर किया, क्योंकि हुमायूं जो है ऑलरेडी बहादुर शाह के पास में मालवा है, और उसने जब बहादुर शाह के ऊपर हमला करने की कोशिश की, तो बहादुर शाह उस समय पे चित्तौड़ के अंदर था, और चित्तौड़ के अंदर जो हमला है आपकी रानी दुर्ग कर्णावती है उनके ऊपर यहाँ पर आपको हमला कर रहा था। और जैसे ही रानी कर्णावती को पता चलता है कि बहादुर जो हुमायूं है वो इसके ऊपर हमला करने आया है, तो वो तुरंत उसको एक राखी भेजती है आपके हुमायूं को, और बोलती है कि एक भाई के रूप में मुझे आपको यहाँ पर आपको सेव करना पड़ेगा, या मुझे इसके अटैक से यहाँ पर आपको बचाना पड़ेगा। ये बात जब इसको पता चलती है आपके बहादुर शाह, तो बहादुर शाह क्या करता है, बहादुर शाह उसको एक मैसेज भेजता है और बोलता है कि दिस इज द बैटल ऑफ जिहाद, ये जिहाद का युद्ध है, अगर तुमको मुझे हराना है तो तुम मुझे हरा दो, लेकिन अभी जो मेरा जिहाद का लड़ाई है उसके लिए आप उसके अंदर कोई आपका दखल अंदाजी मत करो, बाद में अपन मिलकर बैटल लड़ लेंगे, तुमको हराना है हरा दो, मैं आत्मसमर्पण कर दूंगा, लेकिन अभी जो बैटल है, अभी मुझे बैटल यहाँ पर आपको लड़ने दो। और वो चित्तौड़ के ऊपर हमला करके चित्तौड़ को कैप्चर करता है, और जब मुगल हुमायूं की सेना वहां तक पहुंचती है, तब तक कर्णावती और बाकी लोग जो है वहां पे जौहर कर चुकी होती है महिलाएं, और चित्तौड़ के ऊपर बहादुर शाह जो इसका यहाँ पर आपको हमला कर देता है। ठीक है, अब हुमायूं बड़ा राजा था, बहादुर शाह को पता चलता है कि ये यहाँ पर आपको आया है, तो हुमायूं के सामने वो एक प्रस्ताव रखता है, और प्रस्ताव रख के बोलता है कि जो मालवा का जो एरिया है वो मालवा का एरिया मैं आपको दे देता हूँ, और इसके बदले मुझे आप गुजरात पे शासन करने दो, मालवा आपका है माई बाप, आप तो बड़े राजा हो, आपसे कौन लड़ सकता है। तो बहादुर शाह जो है वो हुमायूं को मालवा दे देता है, और मालवा के ऊपर उसको दे के जो हुमायूं है, जो बहादुर शाह है, वो वापस आपके
गुजरात की ओर यहाँ पर आपको वापस चला जाता है, ठीक है। लेकिन हुमायूं का जो मेन टारगेट था वो तो ये था कि कैसे भी करके जो बहादुर शाह है उसको कैप्चर करना है, उसको मारना है, लेकिन उस समय वो मार नहीं पाया। उसके बाद पूरे मालवा के ऊपर 1535 में, जून 1535 में मालवा के ऊपर उसका अधिकार हो जाता है, और उसके बाद जो मालवा का पूरा एरिया है वो अपने भाइयों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। एक उसका भाई था अस्कारी, उसको गुजरात और मालवा वाला एरिया वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। उसके बाद उसी समय पे जो मल्लू खान थे उनके बारे में आगे बताऊंगा, और सिकंदर शाह वगैरह है वो धीरे धीरे उज्जैन और बाकी एरिया पे कैप्चर कर लेते हैं, क्योंकि लंबे समय तक सिर्फ मालवा में रुकना या इस छोटे से टुकड़े के लिए यहाँ पर रुकना कहीं ना कहीं समझौता या कहीं ना कहीं हुमायूं के लिए अच्छा यहाँ पर आपको नहीं था, क्योंकि उस समय पे शेरशाह जो सूरी था, तो शेरशाह सूरी का जो अटैक था वो शेरशाह सूरी के अटैक की जो संभावना है वो संभावना भी यहाँ पर आपको बनी हुई थी, और वो बैटल उनके बीच में लगभग लगभग यहाँ पर आपको स्टार्ट हो चुके थे। उसके कारण ये मालवा वगैरह सब छोड़ के वापस दिल्ली की ओर यहाँ पर आपको चला जाता है, और उसके बाद अस्कारी और हुमायूं हैं दोनों यहाँ से मालवा छोड़ के आगरा चले जाते हैं, और उसी समय पे जो हुमायूं है वो हुमायूं जैसे ही यहाँ पर आपको जाता है यहाँ से, और उसके बाद जो बहादुर शाह है वो तुरंत अपना एक व्यक्ति था उसका नाम था मल्लू खान, तो मल्लू खां को मालवा का जो सूबेदार है वो मल्लू खां को मालवा का सूबेदार वहां पर आपको नियुक्त कर देता। तो मालवा का जो नया सूबेदार है मल्लू खां, जो किसके अंतर्गत है, वो आपके बाज बहादुर उसके अंतर्गत यहाँ पर आपका शासन करता है। उसका 1537 में जो गुजरात के राजा थे बहादुर शाह, उनकी डेथ हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद जो मल्लू खां था ये अपने आप को एक इंडिपेंडेंट राजा कादिर शाह के नाम से एक इंडिपेंडेंट अपने आप को सुल्तान जो है मालवा का इंडिपेंडेंट सुल्तान यहाँ पर आपका घोषित कर देता है। और उसी समय पे इसने जो सिलहदी था, है ना, सिलहदी का जो बेटा था उसका नाम था पूरणमल, और उसको जो रायसेन का फोर्ट जो ऑलरेडी गुजरात के कैप्चर में था वो फोर्ट अब मालवा के कैप्चर में आ चुका है, और पीस ट्रीटी के रूप में या शांति समझौते के रूप में जो सिलहदी का जो बेटा था पूरणमल उसको रायसेन का जो एरिया है वो रायसेन का एरिया उसको यहाँ पर वापस लौटा दिया जाता है। तो इस प्रकार से मालवा में थोड़ी जो शांति है वो शांति यहाँ पर आपको स्थापित हो जाती है, और जो मल्लू खां है वो मल्लू खां मालवा का यहाँ पर आपको नया जो राजा है, नया शासक एक तरीके से यहाँ पे अपॉइंट हो जाता है, ठीक है। तो ये एक नया राजा बनता है, और उसके बाद जब बहादुर शाह के डेथ के बाद जैसे बताया कि वो यहाँ पे राजा बनता है, और फिर पूर्णमल वगैरह जो बाकी पूरा एरिया उनको दे देता है। उसके बाद हुमायूं की डिफीट हो जाती है 1540 में बैटल ऑफ बेलग्राम और बैटल ऑफ कन्नौज के अंतर्गत। और हुमायूं जो है वो देश छोड़ के यहाँ से भाग जाता है, इंडिया छोड़ के ईरान चला जाता है, और उस समय पे लगभग लगभग पूरे भारत के ऊपर जो शेरशाह सूरी है, तो शेरशाह सूरी जो सूरी डायनेस्टी के आपके राजा हुआ करते थे, है ना, उनका यहाँ पर आपको शासन होता है। और शेरशाह सूरी के टाइम पर क्या होता है कि मालवा, ऑब्वियसली बात है, मालवा के ऊपर जो कैप्चर है तो मालवा के ऊपर भी यहाँ पे कैप्चर करेगा, और मालवा के ऊपर तो उस समय के जो राजा थे उनका मेन जो इंटेंशन था वो ये था कि मालवा के ऊपर यहाँ पर आपको कैप्चर किया जाए। अब मालवा के ऊपर यहाँ पे कैप्चर करते हैं शेरशाह सूरी आपका सारंगपुर, और उसके बाद ये पूरा मालवा का एरिया, सारंगपुर के अलावा धार, मांडू, सतवास, ये पूरा जो एरिया है ये पूरा एरिया कैप्चर करते हैं ना, और रायसेन और पूरा एरिया है ये एरिया कैप्चर करके अपनी सूरी डायनेस्टी के अंदर यहाँ पर आपको मिला लेते हैं। उसके बाद ये सारंगपुर पहुंचता है, और जो कादिर शाह था, जो बहादुर शाह का व्यक्ति था, तो वो उसकी शरण में चला जाता है कि भाई साहब मुझे माफ कर दो, है ना, मैं तो ऐसे ही शासन यहाँ पे चला रहा था, ये आपके ही शासन है, आप ही शासन चलाओ। और कादिर खां जो था, जो बाज बहादुर ने जिसको अपॉइंट किया था और जो बाद में इंडिपेंडेंट राजा बन गया था, वो कादिर शाह आपके शेरशाह सूरी के साथ में समझौता कर लेता है और बोलता है कि मुझे आपके अंतर्गत यहाँ पर आपको शासन करना है, लेकिन उसको मालवा से वो हटा देता है, और मालवा से हटा के उसको बंगाल का जो शासक है, बंगाल का सूबेदार यहाँ पर आपको नियुक्त कर देता है, जबकि वो चाहता था कि उसको मालवा में रखा जाए, लेकिन शेरशाह की सूरी के सामने अभी यहाँ पर आपको किसके चलेगी। और इस पूरे एरिया के ऊपर मांडू सतवास और पूरा जो एरिया है लगभग लगभग मालवा का पूरा एरिया यहाँ पर आपको कैप्चर कर लेता है। 1543 में जो शेरशाह सूरी है ये रायसेन के ऊपर हमला करता है, और रायसेन के अंदर यहाँ पे अभी आपको बताया था कि जो सिलहदी था, सिलहदी का बेटा पूरणमल है, वो पूरणमल यहाँ पर आपको राजा है जिसको कादिर खान ने शासन आपको यहाँ पे आपको वापस रिटर्न किया था। और शेरशाह सूरी जो है वो पूरे मांडू को आपका जो रायसेन है, रायसेन का सीख करता है, रायसेन का जो पूरा किला है उस किले को यहाँ पर आपको घेरता है, और उसी किले को घेरने के अंतर्गत वो 4 महीने तक वो
उसका घेराबंदी यहाँ पर आपको उसने बना रहा, और 4 महीने की पूरी प्रोसेस के बाद, 4 महीने की मेहनत के बाद उसको रायसेन के किले के ऊपर यहाँ पर आपको कैप्चर मिलता है। रायसेन का किला अपने आप में एक बहुत ही एक जटिल एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जिसके ऊपर हमला करना, जिसको कैप्चर करना बहुत ही मुश्किल था। एक रायसेन का किला है, दूसरा कलिंजर का किला है। तो 2 किले ऐसे होते थे जो राजा अपने ऊपर एक चैलेंज रखते थे कि इसको जीतना मतलब बहुत बड़ी बात यहाँ पे हो गई। और उसके बाद जो शेरशाह है वो पूरणमल के साथ में यहाँ पे ट्रीटी कर देता है, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो ट्रीटी करने के बावजूद भी जो है वो पूरे इस किले को यहाँ पर आपको कैप्चर कर लेते, तो उसके साथ में एक तरीके से विश्वासघात करके इनका जो पूरा किला है वो किला उसके अंतर्गत यहाँ पर आपको आ जाता है। और जब ये किला कैप्चर किया तो उस समय पे जितनी भी यहाँ पे राजपूत वुमेन्स वगैरह हुआ करती, उन सभी महिलाओं ने जो है यहाँ पर आत्महत्या कर ली, या उन्होंने जो जौहर है सॉरी वो जौहर यहाँ पर आपको वो कर लेती है। और उसके बाद जो शेरशाह सूरी है वो शुजात खान को, नाम याद रखेगा, शेरशाह जो सूरी है वो शुजात खान को मालवा का गवर्नर अपॉइंट करता है, और गवर्नर अपॉइंट करके दिल्ली आ जाता है, क्योंकि उसको भी मालवा में नहीं रहना है। मालवा के छोटे से एरिया में अगर रहेगा तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, जो हुमायूं है वो फिर से सेना लेके आ सकता है, फिर से उसके ऊपर कैप्चर कर सकता है। तो फॉर दैट रीजन ये फिर से आपके मालवा के अंदर आता है, आपके दिल्ली चला जाता है। और यहाँ पर जो शुजात खान था उसको अपना जो सेनापति है या अपना जो अधिकारी है वो अधिकारी नियुक्त करके यहाँ पे वापस दिल्ली की ओर लौट जाता है। और उसके बाद शुजात खान है, ही बिकेम द रूलर ऑफ आपका मालवा है, उसका सूबेदार था। उसके बाद उसके कुछ टाइम बाद 1549 में जब आपका जो शेरशाह सूरी है एक कलिंजर के ऊपर जब हमला करता है, तो 22 मई 1545 में कलिंजर के अंदर एक अटैक के अंदर, या कलिंजर के अंदर एक तोप जो है उस तोप के फटने के कारण इसकी जो डेथ है, इसकी डेथ इसके अंदर यहाँ पर आपको हो जाती है। हाँ, वो संग्राम शाह दुर्गावती के पति थे, राइट। ओके हाँ बिल्कुल, चलिए ओके। तो इस प्रकार से मालवा के ऊपर जो है शुजात खान का यहाँ पर आपको हमला हो जाता है, और उसका जब इसकी मृत्यु होती है शेरशाह सूरी की, और जो शुजात खान है अब वो इंडिपेंडेंट हो गया, उसके ऊपर कोई शासन करने वाला व्यक्ति यहाँ पर आपको है नहीं। तो जो शुजात खान है ये अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करता है, और इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करके जो टाइटल एक्सेप्ट करता है शुजात खान, उस टाइटल का नाम था, इट्स कॉल्ड द बाज बहादुर। तो अब अकबर का शासन आ गया 1556 के अंदर, अकबर हुमायूं की डेथ के बाद हुमायूं भारत में वापस आया और वापस अपना रूल स्टैब्लिश किया। उसके बाद उसका जो बेटा अकबर है वो यहाँ पर आपको शासन बनता है, शासक बनता है। 1556 में शुजात खान जो है, तो शुजात खान की मृत्यु हो जाती है। शुजात खान की मृत्यु के बाद शुजात खान का जो बड़ा बेटा था उसका नाम था मियाँ बायजीद खान, तो मियाँ बायजीद जो खान था वो मालवा का यहाँ पर आपका अगला राजा बनता है। किसका बेटा है? शुजात खान। शुजात खान को किसने एस्टेब्लिश किया? आपके शेरशाह सूरी ने, ठीक है। और उसका बेटा जो मियाँ बायजीद है, वो मियाँ बायजीद जो है आपके बाज बहादुर के रूप में यहाँ पर आपको शासन करता है। तो किसका नाम है बाज बहादुर? मियाँ बायजीद खान है। इनका जो जो राजा के रूप में जो नाम था, या उनका जो ऑफिशियल नाम था, वो यहाँ पर आपको बाज बहादुर। तो उस तरह से बाज बहादुर का मालवा के ऊपर यहाँ पर आपका अटैक होता है। अब इनके टाइम पर बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, रानी दुर्गावती आपके जो रानी रूपमती है, तो रानी रूपमती के साथ में उनके कई सारे जो प्रेम प्रसंग है या कई सारी चीजें पर चलती हैं। तो रानी दुर्ग जो आपकी रूपमती थी, कहा जाता है कि यहीं पर एक लोकल कोई सूबेदार या लोकल किसी व्यक्ति की यहाँ पर बेटी थी, और बड़ा अच्छा गाना गाती थी। एक बार बहादुर ऐसे ही टहल रहे थे मालवा के अंदर, वहां पर उसको ये गाना गाते हुए दिख जाती है, और उसके बड़ा प्रसन्न होते हैं, और उसको फिर उससे यहाँ पर आपको शादी कर लेते हैं। और उसके बाद शादी कर लेते हैं, और उसके बाद उसकी एक एक विश थी कि वो चाहता है कि जो वो चाहती थी कि नर्मदा जो है वो नर्मदा में वो स्नान करे, और नर्मदा में स्नान करके वो खाना खाएगी या बाकी चीजें करेगी। उसने एक ऐसी शर्त रखी थी, लेकिन भाई साहब बाज बहादुर तो बड़े अपने प्रेमी ठहरे, है ना। उन्होंने बोला कि लोग चांदारे तोड़ के लाते हैं, नर्मदा लाने की कौन सी बड़ी बात है। तो धार के पास से नर्मदा बह रही थी, नर्मदा का रुख चेंज करके मांडू का जो किला था, मांडू के किले के पास तक उसको लेके आते, और वहां पर एक रूपमती पेविलियन था, वो पुराना स्ट्रक्चर था। उस रूपमती पेविलियन को वो एक मतलब उस पूरे एरिया को रूपमती पेविलियन बनाते, जहां पर रूपमती जो है नर्मदा के दर्शन करती थी। और मालवा के अंदर मतलब जो किला था आपका मांडू का, उसके अंदर एक रेवा कुंड था, वहां पर उसकी धार आती थी, और उस धार के अंदर वो स्नान करती थी, और उसके बाद अपने डेली फंक्शंस वगैरह यहाँ पर आपको करती थी। अब इसने क्या हुआ कि उस समय पे जो संग्राम शाह थे, संग्राम शाह की यहाँ पर आपको डेथ हो गई, संग्राम शाह की यहाँ पे मृत्यु हो गई। और उसके बाद बाज बहादुर भैया को लगा कि पति तो है नहीं, अभी हमला करके इसके ऊपर कैप्चर कर लेते हैं। और उसके बाद रानी दुर्गा जो रानी रूपमती थी, तो सॉरी रानी जो दुर्गावती थी, दुर्गावती के ऊपर यहाँ पर आपको हमला करते हैं, गोंडर क्वीन जो दुर्गावती हैं उन पे हमला करते हैं। लेकिन उस बैटल के अंदर बुरी तरह से यहाँ पर ये हार जाते हैं, और हारने के बाद एक बड़े गम में खो जाता है कि यार एक वुमन से, एक महिला से हार के आ गया हूँ।
तो उस गम में पूरे टाइम शराब वगैरह पीना, नाच गाना वगैरह सब कुछ चीजें उसने स्टार्ट कर दी। कई सारे राग उसने, राग मालवी और राग गुजरी है, दो इम्पोर्टेंट जो राग हैं इसने यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस किए, ये दो राग हैं, वो राग यहाँ पर आपको डेवलप किया। उसके बाद इसके ऊपर फिर अकबर का हमला होता है और अकबर इसको जो असफ खान है तो असफ खान को भेजता है, और असफ खान को भेज के मालवा के ऊपर हमला करता है। और बाज बहादुर जो है, इट्स कॉल्ड द बैटल ऑफ सारंगपुर, एक स्लाइड एक्चुअली मिस हो गई है। तो बैटल ऑफ सारंगपुर के अंदर, ये सारंगपुर की जो लड़ाई थी, उस सारंगपुर की बैटल के अंदर आपका जो बाज बहादुर, आप जो आपका बाज बहादुर है, वो आपके अकबर की आर्मी से यहाँ पर आपको हार जाता है और पूरे इस क्षेत्र के ऊपर आपके अकबर का हमला यहाँ पर आपको हो जाता है। उसके बाद बाज बहादुर यहाँ से भाग जाता है, और यहाँ से भाग पे जो बाज बहादुर है वो जाता है आपके पास में एक डायनेस्टी, निमाड़ डायनेस्टी है जिसको हम लोग फारूक फारूकी डायनेस्टी बोलते हैं। तो फारूकी डायनेस्टी का जो एरिया था, उस फारूकी डायनेस्टी के एरिया के अंदर जाता है और वहां पे जाके शरण लेता है। और उसके कारण जो अकबर के सैनिक थे उन्होंने फारूकीज के ऊपर भी हमला किया, जबकि फारूकीज पे हमला करने का उनके पास कोई, उनका इंटेंशन नहीं था या उनका कोई ऐसा मन नहीं था कि उनके ऊपर अटैक करेंगे, लेकिन इसके चक्कर में वहां पर भी उनको हमला करना पड़ता है। और उसके बाद उनकी सेना लेके, किसकी, फारूकीज की सेना लेके, अब वहां से सपोर्ट लेके फिर से मालवा पे हमला करता है और फिर से मालवा में कैप्चर करता, फिर से अकबर अटैक करके इसको फिर से यहाँ पे डिफीट करता। और उसके बाद कहा जाता है कि इसकी डेथ हो गई। दो स्टोरी है, एक स्टोरी बोलती है कि उसके बाद इनकी डेथ हो गई, और एक स्टोरी बोलती है कि उसके बाद इसको अकबर ने अपने दरबार में बुलाया, दरबार में बुला के इसको कुछ मनसब वगैरह यहाँ पर आपका प्रोवाइड किया था, और बाद में फिर सारंगपुर के अंदर पास में आके उसकी यहाँ पर आपको मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये बात हुई मालवा की पूरी डायनेस्टी की, और 1561 के अंदर, 1561 के अंदर मालवा जो वंश है उस मालवा वंश की यहाँ पर आपको समाप्ति हो जाती, पूरा जो मालवा डायनेस्टी एंड हो जाता है, और पूरा जो डायनेस्टी था ये अकबर के हाथों में, या आपका मुगल डायनेस्टी है, मुगल्स के हाथ में यहाँ पर आपको चला जाता है। ठीक है, तो ये मालवा का छोटा सा इतिहास हुआ। अब जो जो मेन आर्किटेक्चर यहाँ पर आपको बने हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर धार का किला है जिसको मोहम्मद तुगलक ने 1325 से लेके 1340 के टाइम पे बनाया गया था, और इसी धार के किला के अंदर जो पेशवा बाजीराव हैं इनका जन्म हुआ। उसके बाद यहाँ पर कमाल मौला की एक मस्जिद है, ये बेसिकली जो राजा भोज थी उनकी जो भोजशाला थी, उस भोजशाला को इन्होंने बाद में कन्वर्ट करके उसको एक मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। फिर एक लाट मस्जिद है, ये सब आर्किटेक्चर में हम पढ़े, जब पूरा जो रिलीजियस और सोशल प्लेसेस रिलीजियस प्लेसेस वगैरह पढ़ेंगे या आर्किटेक्चर वगैरह पढ़ेंगे वहां पर हम इसको फिर से पढ़ेंगे एक बार, अभी सिर्फ शॉर्ट के अंदर है। तो यहाँ पर क्या है, कई सारे ऐसे जो स्ट्रक्चर्स है वहां पर लठ जैसे बने हुए हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स बने हैं डंडे जैसे, उसको लाट मस्जिद बोला जाता है। फिर दिलावर खान जो है तो वो यहाँ पर आपको एक मस्जिद मालवा आपके मांडू के अंदर मस्जिद बनाते हैं, दिलावर की मस्जिद। और जो मलिक मुथिक था है ना, जो महमूद शाह खिलजी का पिता था, तो उनकी याद में मस्जिद बनाई जाती है। फिर शादियाबाद जो था, तो होशंगा जो होशंगा शाह था जिसका अल्प खान नाम था, इसने शादियाबाद मांडू का एस्टेब्लिशमेंट किया, इसको अपना कैपिटल बनाया। फिर होशंगा शाह के टाइम पर यहाँ पर जामी मस्जिद है, वो जामी मस्जिद यहाँ पर आपको बनती है। फिर बाद में जो महमूद खिलजी हैं उन्होंने उस बिल्डिंग को पूरा किया। होशंगा शाह का मकबरा है, तो इस मकबरे को जब उनकी डेथ के बाद जो महमूद खिलजी फर्स्ट हैं, महमूद खिलजी ने उस पूरे मकबरों को यहाँ पे बनवाया, एंड दिस इज द फर्स्ट मकबरा जो उस समय पे पूरी तरीके से व्हाइट सैंडस्टोन से, या फिर आपका जो व्हाइट मार्बल है वो व्हाइट मार्बल से पूरा मकबरा यहाँ पर आपको बना हुआ था। तो होशंग शाह का मकबरा है जो व्हाइट मार्बल से बना हुआ था, और भारत की लगभग लगभग पहली बिल्डिंग मानी जाती है, क्योंकि उस समय एक और आपका बाद में, वो खैर बाद में, खैर छोड़ो उसको, तो ये पहली बिल्डिंग मानी जाती है जो व्हाइट मार्बल से यहाँ पे बनी थी। और कहा जाता है कि जब शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, तो ताजमहल बनवाने के पहले उसने कुछ लोगों को यहाँ पे भेजा था, और यहाँ पे भेज के इसका स्टडी किया, उसका एक इंस्क्रिप्शन भी वहां पर आपको लगा हुआ है। तो एक दूसरी बिल्डिंग है, उसका नाम था अशरफी महल, जो माना जाता है कि जो महमूद शाह खिलजी फर्स्ट थे, इन्होंने जब राणा मेवाड़ के ऊपर जब फतह हासिल की, उसके बाद इस किले का यहाँ पर आपको निर्माण किया महमूद शाह खिलजी ने, तो उस अशरफी महल का निर्माण किया। अब बेसिकली अशरफी महल का जो निर्माण था, ये पहले इसका उपयोग एक मस्जिद के रूप में किया जाता था, फिर बाद में ऐसे रॉयल पैलेस के रूप में उसका उपयोग किया जाता था, पहाड़ के ऊपर आपका लोकेटेड है। उसके बाद हिंडोला महल, दरबार हॉल, जहाज महल वगैरह, ये सब होशंगा शाह के टाइम पर बने, महमूद खान खिलजी जो है उसने जाके उसको यहाँ पर आपको कंप्लीट करवाया। ओके, होशंगा शाह के टाइम पे स्टार्ट हुआ और महमूद खिलजी ने पूरा करवाया। फिर बाज बहादुर और रानी रूपमती का महल है, तो ये जो है सुल्तान बाज बहादुर जो है उन्होंने 16 सेंचुरी में उसको बनवाया था। उसके बाद नीलकंठ महल, चिश्ती खां का महल, गदा शाह का महल, ऐसी कई सारी और भी जो बिल्डिंग्स है वो इनके टाइम पर यहाँ पर आपको बनाई गई थी। तो ये बात हुई मालवा के इतिहास की, मालवा के हिस्ट्री की, और कुछ इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस थे मालवा के अंदर उनके बारे में। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आपके
गोंड डायनेस्टी की, या जो आपका जो रानी दुर्गावती है उनका जो गोंड डायनेस्टी है उसके बारे में अगले लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे। आई होप ये लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और चैनल का ग्रोथ हो सके, ठीक है ना। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।